हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए अभ्यास पुस्तिका का हिंदी लेके आए हैं जो कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है। और इसमें आपको हम आओ करें और सीखें की गतिविधियां बताएंगे। आज हम आपके लिए जो आपकी हिंदी की दक्षता उन्नयन की पुस्तक है, इसमें आपको आओ करें सीखें या अभ्यास जो है 60 बताएंगे। अभ्यास 60 की गतिविधि का नाम है उल्टा पुल्टा। गतिविधि का नाम क्या है? उल्टा पुल्टा गतिविधि अभ्यास। उससे पहले शिक्षक के निर्देश कविता का वाचन, ये क्या है आपकी कविता दी हुई, इसकी वाचन आपको सवार करें। बच्चों से कविता का अनुकरण कराएं। शिक्षक आधी पंक्ति बोलकर आगे की पंक्ति बच्चों से पूरी कराएं। तो देखिए, ये कविता है, इस कविता को आपको पढ़ना है और शिक्षक के माध्यम से आपको पढ़ाई जाएगी। शिक्षक आधी कविता पढ़ेगा तो आपको आधी कविता पढ़ना है। तो जैसे देखते हैं हम कविता को पढ़ते। घर के पीछे छत के नीचे पाँव पसारे, क्या है कविता? घर के पीछे छत के नीचे पाँव पसारे, दिन दहाड़े देखो कोई ऊंघ रहा है, आंखें नीचे चादर नीचे खर खर कर रहा है, खुली रसोई दिखे न कोई, भले भरे पतीले चने रसीले, उल्टा मटका देख कर झटका, जो कुछ कर पाओ चट कर जाओ। तो इस प्रकार से कविता दी थी। इस कविता को आपको स्वर वाचन से क्या करना है, इसको पढ़ना है, एक राग के साथ पढ़ना है। जैसे क्या दिया था? घर के पीछे छत के नीचे पाँव पसारे, दिन दहाड़े देखो कोई ऊंघ रहा है, आंखें नीचे चादर नीचे खर खर कर रहा है, खुली रसोई दिखे न कोई, भले भरे पतीले चने रसीले, उल्टा मटका देख झटका, जो कुछ कर पाओ चट कर जाओ। तो ये कविता थी, इस कविता को आपको पढ़ना था। उसके बाद आपको आगे की अभ्यास दिया हुआ है, उस अभ्यास को देखते हैं। अभ्यास 61 दिया है। अभ्यास 61 में क्या दिया है? लिखिए कौन सा पशु पक्षी कहाँ रहता है। तो आपको ये बताना है कि खरगोश कहाँ रहता है, तो खरगोश बिल में रहता है। घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में रहता है। चिड़िया कहाँ रहती है? घोंसला में रहती है। बिल्ली घर में रहती है। हाथी जंगल में रहता है। शेर गुफा में रहता है। और बंदर पेड़ पर रहता है। तो यहाँ पे आपको कौन सा पशु पक्षी कहाँ रहता है उसके बारे में बताना था। फिर निर्देश में क्या दिया, निर्देश को देख लेते हैं। शिक्षक पशु पक्षी के वास स्थानों पर चर्चा करें। पक्षी घोंसला बच्चे अंडे देने के लिए बनाते हैं। कुछ पशु जंगली और पालतू दोनों होते हैं। अब देखते हैं आगे अभ्यास 62। अभ्यास 62 में क्या दिया? चित्र में दिखाई दे रहे जानवरों के अलावा कुछ अन्य जंगली जानवरों के नाम लिखिए। देखिए, ये चित्र दिख रहा है, यहाँ चित्र में जो जानवर दिखाई दे रहे हैं, इन जानवरों के अलावा भी आपको नाम लिख देना बताना है। जैसे ये क्या है? ये हाथी। ये क्या है? हाथी। तो हमने हाथी लिख दिए। ये क्या है? जिराफ। तो ये क्या लिख दिया हमने? जिराफ लिख दिए। और इसके बाद ये क्या दिख रहा है, किसका चित्र दिख रहा है? बंदर। फिर गिलहरी भी है यहाँ पर। ये गिलहरी देखिए यहाँ पर, ये गिलहरी है। ये घोड़ा है। ये क्या है? घोड़ा। तो ये घोड़ा हो गया। शेर, ये शेर। अब इसके अलावा और जानवरों के नाम आप लिख सकते हैं। यहाँ से क्या लिख सकते हैं? लोमड़ी, भालू और जंगल भैंसा। इस प्रकार से आपको जो जंगली जानवरों के नाम मालूम है, यहाँ पे जो और खाली जगह है इसमें लिख दीजिए। हमने यहाँ पे जो चित्र में दिए थे उन्हें उन नामों को बताएं। इस प्रकार यहाँ पे अभ्यास 62 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसके बाद अभ्यास 63 देखिए क्या कहा है। नीचे लिखी पंक्तियाँ बोलें और सही का या गलत का निशान लगाएं। मछली आसमान में उड़ती है, तो आपको मालूम है क्या मछली कहाँ रहती है? मछली आसमान में उड़ती है? नहीं। तो इसमें काय का चिन्ह आ जाएगा आपका? गलत। फिर गाय पानी में रहती है? गलत। गाय पानी में नहीं रहती। शेर जंगली जानवर है? बिल्कुल सही। तो यहाँ सही का निशान लगा देंगे। खरगोश गाजर खाता है? हाँ, खरगोश गाजर खाता है। घरेलू बिल्ली पालतू पशु है, तो जो घर की बिल्ली होती है वो कैसी होती है? पालतू। तो बिल्कुल सही। बकरी कीड़े खाती है? गलत। बकरी कीड़े नहीं खाती, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये गलत। इस प्रकार आपका अभ्यास 63 कम्प्लीट हुआ।
इसके बाद अभ्यास 64 देखते हैं। अभ्यास 64 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कार्यपत्रक को श्याम पट पर बनाकर चित्र से शब्दों का मिलान कराएं। अब इस चित्र से हमको शब्दों का मिलान कराना है। ये चित्र किसका है, घर का, तो हम किसको इससे मिला देंगे, घर से मिला देंगे। तो घ कहाँ है, ये मिला दिए घर से। फिर उसके बाद ये चित्र किसका है, सूर्य का, तो इसको किससे मिला देंगे, श से। उसके बाद ये चित्र किसका है, कप का, तो इसको किससे मिला देंगे, कप से मिला देंगे, चित्र को क से मिला देंगे। और ये चित्र किसका है, टप का, तो इसको किससे, ट से मिला देंगे। अब शेष क्या रह गया, यहाँ पे कप भी हो गया, सूरज भी हो गया, घर भी हो गया, ये सभी हो गए। तो यहाँ पे हमारा जो कहा था श्याम पट पर बनाकर, हम इस प्रकार से इसको श्याम पट पर बना सकते हैं और इनका मिलान कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया, चक्री में बने चित्र के प्रथम वर्ण, क्या दिया, चक्री में बने चित्र के प्रथम वर्ण और नाम पर गोला लगाएं। श्याम पट पर, श्याम पट कर विशेष, विशेषकर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये विशेषकर उन विद्यार्थियों को बुलाएं जिन्हें चित्रों को पहचान कर नाम बताना नहीं आता और वर्णों की पहचान ठीक से नहीं है। तो अब देखिए हमें क्या कहा है, चक्री में बने चित्र के प्रथम वर्ण और नाम पर गोला लगाना है। तो ये चित्र किसका दिख रहा है आपको, कमल का फूल है ये, तो कमल का फूल है तो हम किस पे घेरा बना देना है, गोला बना दें, क पे। तो इस प्रकार से हम क पे एक घेरा बना दिए, ये किस पे, क पे घेरा बना दिए। उसके बाद ये घर का चित्र है, तो किस पे घेरा बना देंगे, घर पे। और ये क्या है, मटका, तो किस पे, मटका पे, जहाँ मटका लिखा है उस पे घेरा लगा देंगे। इस प्रकार से यहाँ पे आपकी जो अभ्यास 64 कंप्लीट होता है। और जितने भी अभ्यास के अंतिम में लिखा रहता है, बच्चों के प्रोत्साहन हेतु शिक्षकों की टिप, यदि बच्चा अच्छा कार्य करता है तो शिक्षक उसको टिप में जो भी पुरस्कार के रूप में दे, वेरी गुड गुड, और फिर शिक्षक हस्ताक्षर करेगा और पालक के हस्ताक्षर होंगे। तो इस प्रकार आपको हमने कौन कौन से अभ्यास बताए, 64, 63, 62, 61 और 60। तो यहाँ पे आपके 60, 61, 62, 63, 64 ऐसे पांच अभ्यास बताए। यदि ये अभ्यास आपके समझ आए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।